गुरु प्यारे खालसा जी, हुन आप जी दे नाल सिख कौम दे महान विद्वान भाई मोहर सिंह जी अनजान चंडीगढ़ वाले विचार करनगे। इन्हां दा विषय है किव सच्यारा होइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद बेशुमार अथाह अगणत अतोलै ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नयोटियां दी ओट तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे दरों करों वरोसाई सत्संगत प्यार दा सबूत दिहो गज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस विषय ते असी विचार कर रहे हाँ यह विषय है किव सच्यारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल सच्यार किवें होइए। प्रभु परमात्मा और जीवात्मा दे अंदर पई हुई कूड़ अते होमे दी दीवार किवें टुटे और असी उस परमात्मा तक किवें पहुँचिए। परमात्मा तक किवें पहुँचिए इस तो पहलों गुरमत अनुसार अकाल पुरख प्रभु परमात्मा दा स्वरूप की है थोड़ा जानन दा यतन करिए। गुरदेव पातशाह बचन करदे ने एक ओ अंकार कि ओ अकाल पुरख परमात्मा एक है जिस दा कोई रूप रेख रंग आकार नहीं जो बिना वित तों लगातार अविरल ऐस संसार दे अंदर समाया होया है जिस दा नाम सदा होण वाला है जो भय तों रहत है जो वैर तों रहत है संसार नूं रचन वाला है संसार नूं रच के ऐस संसार दे अंदर समाया होया है जिस दे उत्ते समय दा प्रभाव नहीं पैंदा जो कदे भी बच्चा जवान और बुढ़ा नहीं हुंदा अते जो जूना दे अंदर नहीं आउंदा अजूनी है अते जिस दा कोई माँ नहीं कोई बाप नहीं जो अपने आप तो आप है ऐसा अकाल पुरख परमात्मा गुरु दी रहमत दे नाल मिलदा है। पर अकाल पुरख परमात्मा दे नाल मिलन वास्ते सच्यार होण वास्ते आत्मक जीवन दी प्राप्ति वास्ते संसार दे अंदर चार पांच साधन वरते जांदे जा रहे ने उन्हां बारे गुरदेव पातशाह ने पावन बाणी दे अंदर विचार दित्ती है। सब तो पहला साधन सी अपने आप नूं सुचिया करना शरीरक सुचमता रखनी और शरीरक पवित्रता नूं परमात्मा दी प्राप्ति दा साधन मनना। गुरदेव पातशाह जी इस साधन दा खंडन करदे हुए कहंदे ने सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार लखां वार भी जे मैं इस तन नूं पवित्र करां तां तन नूं पवित्र करन दे नाल मन कदे भी पवित्र नहीं हुंदा। गुरदेव पातशाह जी ने पावन बाणी दे अंदर बचन भी कीता है मन मैले सब किछ मैला तन धोतै मन हच्छा ना होए जे मन मैलै तां फिर सब कुछ ही मैलै तन दे धोण दे नाल कदे भी मन चंगा नहीं होवेगा। देखदे हाँ जगत दे अंदर आम आदमी तीर्थ इशनान नूं पवित्रता दा साधन मंदा है पर गुरदेव पातशाह जी वचन करदे हन नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। जेकर तू तीर्थ ते इशनान करन जा रहे हैं तेरा मन खोटा है तन करके तू चोर है ता तीर्थ ते नहान दा कोई लाभ नहीं होवेगा। एक पौलथी नात्या दोए पा छड़ियस होर तीर्थ ते जाके इशनान कर मनुख ए सोच लैंदा है कि मेरे पिछले कीते हुए कर्म उतर गए ने मैं तीर्थ दा इशनान करके महान बन गया हाँ। पर गुरदेव पातशाह जी कहंदे ने ए होर दुगना अहंकार लैके वापस कर परत दै।
और जिसते अंदर अहंकार का बीज बीजा जाए उसते अंदर ममता का अंकुर फुट पैंदा है। ममता के अंकुर तो बने हुए पेट के नाल विकारां दे फल लगते ने और इस तरह इहदा सारा जीवन ही विकारी बन जाता है। बोयो बीज अहंग मम अंकुर बीतत औध करत अघना। तो गुरुदेव जी कहिंदे नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक पा लथी नात्या दुए पा चढ़ी असहोर बाहर धोती तूंबड़ी अंदर विश निकोर साध भले अणनात्या चोर से चोरा चोर। गुरुदेव कहिंदे जिस तरह कौड़े कद्दू नूं तूंबड़ी नूं बाहरों धो लिया जाए अंदर उसते निरोल जहर कुड़त्तन भरी रहिंदी है बाहरों धोण दे नाल उसकी अंदरली कुड़त्तन नहीं जाती तिवें बंदिया तीर्थां ते इशनान करन दे नाल जल दे निरे इशनान दे नाल तेरे मन की मैल कदे भी नहीं जाएगी। गुरु साहब पावन बाणी दे अंदर होर थां वी बचन करदे ने जल कै मज्जन जे गत होवै नित नित मेंढक नावहै जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जूनी आवै कि निरे पानी दे इशनान दे नाल जे उच्ची आत्मक अवस्था मिलदी होवे तां मेंढक डड्डू हमेशा पानी दे अंदर ही इशनान करदे ने। गुरु साहब कहिंदे जिस तरह मेंढक ने तिवें ही ओह बंदे ने जो तीर्थ इशनान नूं ही मुक्ति दा साधन मनदे ने। भगत कबीर जी ने तां बचन कीता कहन लगे बंदिया तू तीर्थां ते इशनान करके अपनी उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त करनी चाहुंदा है पर मैं कहिंदा हाँ जे तू गंगा जां होर ऐसे तीर्थां दे किनारे ते ही अपना घर बना लवें लगातार तू गंगा दा पावन पवित्र और निर्मल मन्या जाण वाला पानी पींदा भी रहें तां वी तेरे अंदर आत्मक शांति वाला जीवन घटित नहीं होवेगा। तेरे अंदर आनंद विगास खेड़ा खुशियां और प्रसन्नता नहीं आउणगियां तेरा अंदर फिर भी सच्यार नहीं होवेगा बिना प्रभु परमात्मा दी भगती तो। पावन बाणी दा वाक है कबीर गंगा तीर जो कर करें पीवह निर्मल नीर बिन हर भगत ना मुक्त होए इउं कह रमै कबीर। प्रभु परमात्मा दी भगती और बंदगी तो बिना कदे भी ये इंसान विकारां तो खलासी नहीं पा सकता एदी उच्ची आत्मक अवस्था नहीं मिल सकती इसनूं जदों तक ये प्रभु परमात्मा दी भगती और बंदगी ना करे। गुरु साहब जी ने पावन बाणी दे अंदर होर थां वी वचन कीता है सोचे एह ना आखियां बहन जे पिंडा धोए सोचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए। असल सुचे उन्हां नूं नहीं कहा जा सकता जो केवल शरीरक इशनान करके ही बह जाते हैं असल सुचे तां ओह ने जिन्हां दे अंदर अकाल पुरख परमात्मा आप आके वस गया। तो गुरु साहब जी कहिंदे जे मैं लखां वार भी ऐस तन नूं धोवां ऐस तन नूं पवित्र करां तां निरा तन दे धोण दे नाल कदे भी ये मन पावन और पवित्र नहीं होवेगा कदे भी उच्ची आत्मक अवस्था नहीं बनेगी। दूजा साधन जो जगत दे अंदर वरत्या जांदा रहा है वह है चुप कर जाना वह है मौन धारण कर लेना। पर गुरु साहब जी कहिंदे निरी जबान नूं चुप करान दे नाल कदे भी मन चुप नहीं करदा मन दे अंदर तां संकल्प और विकल्प उठते ही रहिंदे ने मन दे अंदर फुरनिया दा वेग चलदा ही रहिंदा है मन दे अंदर विचार और कल्पनावां उठदियां रहिंदियां ने। जेकर तू निरा मौन धारण कर लवे तां तेरा मौन धारण करन दे नाल कदे भी तेरा मन चुप नहीं करेगा। मिसाल वजों असी हुण चुप करके बैठे हाँ जबान तां चुप है लेकिन की मन चुप हो गया ऐसा कदे भी नहीं सोचा जा सकता मन दे अंदर विचार उठ ही रहे ने मन कदे घर चला जाएगा कदे बाजार कदे दुकान ते और कदे होर किसी कारज दे अंदर उल जाएगा। ये मन का सुभाव है
कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जियड़ा थिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले। और ए दुखा दा कारण भी है, गुरु साहब कहंदे इस मन मंदर मह मनवा तावै, सुख पल्लर त्याग महा दुख पावै। ए ध्यान ए मन जगत दे अंदर भटकदा है, इस तरह ए सुखां नूं त्याग के महान दुखां दी प्राप्ति करदा है। तो खैर, जे किसी ने जबान नूं बंद कर लिया तां जबान नूं बंद करन दे नाल कदे भी मन शांत और चुप नहीं होवेगा। गुरु साहब जी दी पावन बाणी दा वाक भी है, बोलै नाही होए बैठा मोनी, अंतर कलप पवाईऐ जोनी। मनुख ने मौन धारण कर लिया, बोल नहीं रहा, मौन धारण करके बह गया, लेकिन इसते अंदर कल्पना चल रही है, इसते अंदर भटकना है, इहदे अंदर विचारां दा वेग चल रहा है। ता गुरु साहब कहंदे इस तरह तां इह जूनियां दे अंदर ही पवाया जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पावन बचन करदे ने, कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै, बैठ रहो बक ध्यान लगायो। की होया जे तू दो अखां बंद करके बह गया, ध्यान लगाउन दा वखावा कीता, इस तरह ता बगला भी ध्यान लगाउंदा है। जे निरियां अखां बंद करन दे नाल, मौन धारण करन दे नाल रब मिलदा होवे, बंदा सच्यार हुंदा होवे, ता ए ता बहुत ही सौखा साधन हो गया। पर गुरु साहब कहंदे इस ढंग दे नाल कदे भी तेरा मन चुप नहीं करेगा, शांत नहीं होवेगा, बेशक तू लगातार लिव विरती भी लगाई रखें। गुरु साहब कहंदे जे मैं लगातार लिव विरती भी लगाई रखा तां वी ए मन शांत नहीं होवेगा, ए मन चुप नहीं होवेगा, इहदे अंदर आशा और तृष्णा दा वेग पैदा हुंदा ही रहेगा। चुप्पै चुप ना हो वई जे लाए रहा लिव तार। तीजा साधन ऐस जगत दे अंदर ए वर्त्या गया कि मन जो भी मंगदा है इस मन नूं ओ कुछ दे दिओ। आखिर ए मन संसार दे पदार्थां और सुखां नूं भोग भोग के रज जाएगा, तृप्त हो जाएगा, फिर ए परमात्मा वाले पासे अग्रसर होवेगा। लेकिन ए साधन बड़ा खतरनाक साबित हुंदा है। ए साधन तां ऐसा है जिवें कोई लकड़ां दियां बालण पापा के लकड़ां पापा के अग नूं बुझाउण दा यतन करे। एक मूर्खतापूर्ण साधन है, जिवें जिवें अग दे भांबड़ विच कोई लकड़ां पा के बुझाउण दा यतन करेगा, तिवें तिवें अग दा भांबड़ होर तेज हो के बलेगा। जिवें जिवें ए मन नूं संसार दे पदार्थ मिलणगे, तिवें तिवें इस मन दे अंदर तृष्णा दा वेग होर वधेगा। गुरु साहब जी दा पावन वाक भी है, तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोरे, मन ना हो रै परै परै ही को लुझी है। किसे विरले दी तृष्णा बुझदी है, ए लखां जोड़न तो बाद करोड़ां दे पिछे दौड़दा है और परां परां नूं अगां अगां नूं ही लुझदा रहिंदा है। गुरु साहब कहंदे संसार दे पदार्थ मैनूं मिल जान, संसार दे पदार्थां तो बाद शिवपुरी ब्रह्मपुरी इंद्रपुरी आदिक जो मनियां गईयां पुरियां ने, उन्हां पुरियां दे पदार्थ भी मैं बन लवां, ओह भी मैनूं मिल जान, तां वी तृष्णा दे अधीन रहां, कदे भी इस मन दी भुख नहीं उतरदी और ए मन कदे भी तृप्त नहीं हुंदा। तां गुरु साहब जी बचन करदे ने, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। चौथा साधन सी सियाणपां दे नाल चलाकियां दे नाल उस मालक परमात्मा नूं पाउण दा यतन करना। गुरु साहब कहंदे चलाकियां दे नाल कदे भी तूं उस परमात्मा नूं नहीं पा सकेगा। चलाकियां दे नाल जगत नूं रिझाया जा सकदा है, चलाकियां दे नाल संसार दे पदार्थ प्राप्त कीते जा सकते हन, लेकिन परमात्मा कोई न्याणा बच्चा नहीं। तू जगत नूं पत्या लवेंगा, पर गुरु साहब कहंदे लोक पतीने कछु ना होए ना ही राम अयाना। और फिर वो परमात्मा नूं गुरदेव ने
बाणी दे अंदर दाना और बीना आखे दाना बीना साई मैंडा नानक सार ना जाना तेरी। ओ मालक परमात्मा दाना है भाव ओ सियाना है, ओ हर कर्म नू जानन वाला है, ओ तेरे हर कर्म नू जान रहा है। ते बीना दा मतलब ओ परमात्मा वेखन वाला है, तेरे हर कर्म नू ओ वेख भी रहा है। ता उस नू चलाकियां और सियाणपां दे नाल कदे भी रिझाया ना जा सकेगा, कदे भी उस नू पाया ना जा सकेगा, और सियाणपां ते चलाकियां दे नाल कदे भी सचार नहीं होया जा सकेगा। तेरी कोई भी सियाणप कोई भी चलाकी प्रभु परमात्मा तक तैनू ना पहुंचा पाएगी। सहस सियाणपां लख हो हैं ता इक ना चले नाल। हुण फिर सवाल पैदा हुंदा है, गुरु साहब ने भी सवाल पैदा कीता है, किव सचियारा हुई है किव कूड़ै तुट्टै पाल, सचियार किवें होवीए। प्रभु परमात्मा और जीवात्मा दे दरमियान जो होमे और कूड़ दी दीवार बनी हुई है, इस होमे और कूड़ दी दीवार नूं किवें तोड़िए, ए विथ किवें मिटे, प्रभु परमात्मा दे नाल मिलाप किवें नसीब होवे। ता गुरदेव पातशाह जी पावन बाणी दे अंदर एक साधन दस रहे ने, ते ओ कहंदे ने हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हे नानक, उस अकाल पुरख प्रभु परमात्मा ने जो जीव दे नाल ही हुकम लिख दिता है, उस रजा दे मालक हुकम दे मालक प्रभु परमात्मा दे हुकम दे अंदर तुरना ही सचार होण दा इको एक साधन है। हुण सवाल पैदा हुंदा है, उस परमात्मा दे हुकम नू असीं किवें समझिए। तो गुरबाणी अनुसार असीं उस प्रभु दे हुकम नू समझन दा यतन करदे हां। गुरु साहब जी पावन बाणी दे अंदर वचन करदे हन कि हे भाई लालो, जो कुछ भी मैं बोल रहा ये विचार मेरी अपनी नहीं है, ये बाणी मेरी अपनी नहीं है, ये बाणी धुर तों आ रही है, ये अकाल पुरख परमात्मा दा हुक्म है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। हे भाई लालो, जैसी बाणी खसम अकाल पुरख परमात्मा पासों मैनू मिल रही है, वैसा ही मैं ज्ञान कथन कर रहा, ओ बोल ही मैं बोल रहा। गुरु साहब बाणी दे अंदर होर थावें जिक्र करदे हन, हों आपों बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। मैं आप कुछ भी बोलना नहीं जानदा, मैं जो कुछ भी कह रहा ओ मैं तेरा हुक्म ही कह रहा हाँ। गुरु साहब होर थावें कहंदे ने, तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, ए अकाल पुरख परमात्मा दी पावन पवित्र सिद्ध सलाह दी बाणी है, जिसने सारियां चिंतावां मिटा दित्तियां ने। तो इस तरह असीं कह सकते हाँ, अकाल पुरख परमात्मा दा जो हुक्म है ओ गुरु दी बाणी है, गुरु दी पावन पवित्र बाणी अनुसार जीवन बिता के ही असीं सचियार हो सकते हाँ। जदों असीं उस मालक परमात्मा दे हुक्म नूं समझन दा यतन करांगे तां इस गल दी समझ पैगी कि उस मालक परमात्मा दे हुक्म दे अंदर जीव जन पैदा हो रहे ने, उस प्रभु दे हुक्म दे अंदर कोई पुरश उच्चा है कोई पुरश नीवा है, उस मालक परमात्मा दे हुक्म दे अंदर सुख मिल रहे ने, उस प्रभु दे हुक्म दे अंदर दुख मिल रहे ने। प्रभु दे हुक्म दे अंदर ही किसे जीव नू बख्श के उस मालक दा मिलाप नसीब हुंदा है, ते उस मालक परमात्मा दे हुक्म दे अंदर ही किसे जीव नू ओदे ही कीते कर्मा अनुसार जूना और जन्मा दे अंदर पुमाया जांदा है। आओ थोड़ी विचार होर करन दा यतन करिए कि जे असी पावन बाणी नू समझ लईए और पावन बाणी अनुसार जीवन बिताइए तां बाणी राही सानू की कुछ मिल सकदा है। गुरदेव पातशाह जी वचन करदे ने कि ए जो पावन पवित्र बाणी है, बाणी बिरलो बिचार सी, जे को गुरमुख होए
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਵਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਾਧਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਵੈ ਗੋ, ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵਹਿ, ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਪੰਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਤ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਪੰਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨੀ ਚੜੀ ਚਵੱਗਣ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣ ਮਨ ਪਿੰਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਕ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਾਈਐ, ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਔਰ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹੋਂ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਅਪਣਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ,
ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਹੇ ਭੈਣੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੇਸ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹਿ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਭਾਗਣਾ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹਿ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਹੇ ਭੈਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਭ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਜਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਹੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ, ਕਾਬਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਅਰਜ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਇੱਕ ਦੱਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਹੇ ਮਾਲਕ,
तू मेरा मालक है, मैं तेरा दास हाँ, मैं तेरे दर ते आया, मैनू अपने नाम दी दात बख्श। भगत तन्ना जी उस प्रभु दे चरणा विच खड़े हुंदे ने ते कहंदे ने, हे प्रभु मैं तेरा लोड़वंद दास हाँ, मैं तेरे दर ते आया, मैं सुनया जो तेरी भगती करदे ने तू उन्हां दे कारज संवार दिन्ना। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। मैं तेरे तो कुछ संसारिक लोड़ा पूरियां करनियां चाहना, दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनियां छादन निका, अनाज मांगो सत सीका, गौ पैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। भगत कबीर जी उस मालक दे चरणा विच अरदास करदे ने, हे मेरे मालक आद सेर मांगो दाले, मोको दोनों वखत जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई, ऊपर को मांगो खिंधा, तेरी भगत करे जन थिंधा। ते प्रभु दे दर ते अरदास करके दुनियावी लोड़ा नू पूरियां करन लई बेनतियां करके कहंदे, प्रभु ए सब मेरियां लोड़ा ने, मेरियां आशावां नहीं हन, मेरे जीवन दी फब्बन ता तेरा नाम ही है। दुनियावी लोड़ा मंग के मैं कोई लालच नहीं कीता, मैं ना ही कीता लबो, एक नाओ तेरा मैं फब्बो। भट्टा ने गुरु चरणा विच अरदास कीती है, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सु प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज परम पिता परमात्मा दे चरणा विच अर्ज करदे ने, हे प्रभु तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है, असे तेरे बच्चे हाँ, तेरे चरणा विच अरदास अरजोई करदे हाँ, साडे ते रहमत कर, क्योंकि तेरी रहमत दे अंदर अनंत सुख ने। गुरुदेव जी दा पावन वाक है, तू मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मह सो कनेरे। अते आप कहंदे ने, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, हे मालक तू मालक है, असे तेरे दास हाँ, ए जिंद ए जान ए संसार दी रास पूंजी सब तेरिया दित्तियां हुईयां दाता ने। गुरु साहब ने बाणी दे अंदर बचन में कीता है कि ऐ सिखा जेड़ा कारज तू करना चाहुंदा है, उस कारज दी सफलता वास्ते अकाल पुरख दे चरणा विच अरदास कर, अकाल पुरख परमात्मा तेरे कारज रास कर देवेगा। ए गुरु दी सच्ची शिक्षा है, ए गुरु दी सच्ची गवाही है, कीता लोड़िए कम सोहर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है, ओ तेरे कारज रास कर देवेगा, ओ तेरे कारज सवार देवेगा। तो उस मालक परमात्मा दे अगे अरदास करके ही असी दुनियावी दाता मंगनिया ने, नाम दी दात मंगनी है, उस मालक दी कृपा मंगनी है, उस मालक परमात्मा दी रहमत दे पात्र बन के उस प्रभु दे अंदर अपेद हो जाना है। इस तरह कह सकते हाँ, अरदास सिख दा जीवन है। जे सिख दे जीवन अंदरों अरदास नूं इक पासे कर दिता जाए तां सिख दे पास बाकी कुछ भी नहीं बचदा। इसलिए गुरु पातशाह जी दे पावन चरणा विच अरदास किवें करनी है, जिस ढंग दे नाल साडी कीती हुई अरदास संपूर्ण हो सके और असी उस मालक तों मूँह मंगियां मुरादां पा सकीए अते उस प्रभु दे नाल साडा नाता और संबंध जुड़ सके, असी उस प्रभु अंदर अभेद हो सकीए। अरदास दे चार अक्षर ने, विद्वान पुरशां ने इन्हां चारां अक्षरां दे चार भाव लैण दा यतन कीता है।
अरदास का पहला अक्षर ऐड़ा जिसका मतलब है अंतरयामी। जदों भी कोई अरदासिया सिख गुरु प्रभु परमात्मा के चरणों में अरदास करे, गुरु ग्रंथ साहब के पावन चरणों में अरदास करे, तो उसके मन के अंदर यह भाव होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि वह मालक परमात्मा अंतरयामी है। वह मेरे अंदर की हर भावना नूं जानदा है, वह मेरे अंदर के हर वलवले नूं जानदा है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, वह हर हिरदे के अंदर की गल नूं जानदा है। गुरु साहब बचन भी करते ने, वड्डी वड्याई जाने आ लाओ, वड्डी वड्याई बुझै सब पाओ। उस परमात्मा की यह वड्डी सिफत है कि वह जीव दियां अरदासां नूं जानदा है, अरदासां नूं सुणदा है। यह उस परमात्मा की वड्डी सिफत है कि वह जीव के अंदरले वलवलियां नूं जानदा है। इस तरह अरदास एक अखरी और फर्जी अरदास ना होवे, अरदास अंदर दी खूब बन के निकले। और नाल असी ये कह सकते हाँ, अरदास उस हालात के अंदर ही संपूर्ण हो सकती है जदों अरदासिया कोई भी जो अरदासिया है वह अंदरों और बाहरों एक होवे, वह कथनी और करनी का पूरा होवे, उसते मन विच जो है उही मुख विच होवे, जो मुख विचों बोल रहा है उही भाव मन दे अंदर होन। जे मन अंदर कुछ होर है और मुख दे अंदर कुछ होर है तो ऐसे करनी और कथनी दे अधूरे प्रभु परमात्मा दे दर ते परवान नहीं हुंदे। गुरु साहब बचन करदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, जिन्हां दे मन अंदर कुछ होर है और मुख अंदर कुछ होर है उन्हां दी गिनती कच्चिया दे विच है, वह खरे नहीं कह जा सकते। ते प्रभु दे दर ते केवल खरे ही खजाने विच पैंदे ने, खोटियां नूं बाहर वार सुट दिता जांदा है। गुरदेव जी का पावन बचन है, खरे खजाने पाई हैं खोटे सटियां हैं बाहर वार। इस तरह ऐड़े का मतलब वह अंतरयामी है। ते अरदास करदियां साडा ये पूर्ण विश्वास चाहिए कि वह प्रभु परमात्मा मेरे अंदर की गल नूं जान रहा है। मैं गल्लां दे नाल संसार नूं पत्या सकदा, परमात्मा नूं मैं नहीं पत्या सकदा, क्योंकि वह न्याणा बच्चा नहीं है। लोक पतीणे कछु ना होए ना ही राम अयाना। दूजा नुक्ता है अरदास का, दूजा अखर है रारा। रारे का मतलब वह परमात्मा राखा है, रक्षा करन दे समर्थ है। और सिख दे मन अंदर अरदास करदिया ये विश्वास और भरोसा चाहिए कि वह परमात्मा राखा है अते मेरी राखी जरूर करेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने विश्वास दवाया, सिखा कदे तेरे ते ऐसा समा आवणे जदों ऐस दुनिया दे अंदर तेरे रिश्तेदार सज्जन मित्र माँ बाप भैन भाई सारे ही तेरा साथ छड़ जान, तेरे ते मुसीबतां दे चक्खड़ चुल पैन, दुनिया दे अंदर दुश्मन तेरे जान लेवा दुश्मन बन जान, तैनू कोई सहारा ना देवे तैनू कोई ओट ना देवे। ऐसे मुसीबत भरे समय दे अंदर जे तू परमात्मा नू याद करेगा तो वह परमात्मा तेरी राखी करेगा, वह तेरी रक्षा करन दे समर्थ है, तैनू तत्ती हवा तक भी ना लगन देवेगा। गुरु साहब वचन करदे ने, जा कौ मुश्किल अत बणै ढोई कोय ना दे, लागू होए दुश्मना साप पे भज खले, सभो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती वाओ। गुरु साहब कहंदे जे तू तन करके दुर्बल हो जाए, तैनू नंग और भुख की पीड़ पै जाए, तैनू कोई एक दमड़ा भी ना देवे और तैनू कोई सुक्की धीरज भी ना देवे, ऐसे हालातों के अंदर भी जे तू प्रभु के चरणों में अरदास करेगा, जे तू प्रभु के चरणों की ओट और आसरा लवेगा तो वह परमात्मा तैनू निहचल बादशाही बख्शिश कर देवेगा। जे को होवै दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्लै ना पवै,
ना को देवै तीर, स्वार्थ स्वाओ ना को करै, ना किछ होवै काज, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निहचल होवै राज। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, ओ परमात्मा ऐसा राखा है, रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु पांत बचावै, सत्र अनेक चलावत काव, तौ तन एक न लागन पावै, राखत है अपनो कर दे कर पाप, समूहु न पेटन पावै, और की बात कहा कहतो सो, सोपेत ही के पट बीच बचावै। गुरु अर्जन देव जी महाराज वचन कर दे ने, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तैं तुम राखन हारे, पावक सागर अथाह लहर में तार हो तारन हारे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस मालक दे चरणा विच अरदास करदे ने और सिख नूं ही कहंदे ने कि तू उस प्रभु परमात्मा दे चरणा विच अरदास कर, ओ तेरी राखी करेगा। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ते गुरु साहब जी कहंदे ने, फिर जिसता साहिब डाडा होए, तिसनो मार ना सकै कोई, जगत दे अंदर फिर उसनो कोई मार नहीं सकदा, उसनो विकार अपने अधीन कर नहीं सकदे। जाम गुरु होए वल तने क्या गारव दिजे, जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या किजे, जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चह कर, जो गुरु गुरु अहनिस जपै, दास पट बेनत कहे, जो गुरु नाम रिद मह तरै, सो जन्म मरण दोहों थे रहे। इस तरह गुरु ओदी जन्म और मरण तो राखी कर दे, भाव जन्म मरण आदिक दे गेट तो उसनु बचा लेंदे। तो अरदास का दूजा अक्षर है रारा, जिसका मतलब ओ परमात्मा राखा है। अरदासी दे मन अंदर ये विश्वास होवे कि परमात्मा रक्षा करदा है और मेरी राखी करन दे समर्थ भी है, अते मेरी रक्षा हर हेले ओ परमात्मा करेगा। ते प्रभु दे अगे जदो इस तरह ये अरदास करेगा, ये डर और भय सारे मुक जाणगे। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई ताँ पौके हा काड़ा जियो। अरदास का तीजा अक्षर है दद्दा, दद्दे का मतलब दाता। अकाल पुरख परमात्मा दाता देन वाला दाता है और दाता सारिया उस दाते दे हथ विच ने, जो उसनू भाजन दे उसे नू ओ दाता बख्शिश कर दे। दाते दात रखी हथ अपने, जिस पावै तिस देई। इसलिए अरदासी दे मन अंदर ए विश्वास और भरोसा चाहिए कि दाता जगत दे अंदर केवल इको ही है, ओही सारिया नू देन वाला है, बाकी सारा जगत ही भिखारी है। दद्दा दाता एक है, सब को देवन हार, देंदे टूट न आवई अगन परे पंडार। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने कि वो ऐसा दाता है, जिन्ना ने उस नाल जान पहचान बनाई वो उन्हां नू ही दाता देंदा है, जिन्ना ने जान पहचान नहीं बनाई उन्हां नू ही वो दाता देंदा है। धरती आकाश जलां और थलां दे अंदर वसन वाले जीवां नू वो दाता दे के निहाल निहाल कर रहे। गुरु साहब जी वचन करदे ने, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है, तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापत ले है। इसलिए सिख दे मन दे अंदर विश्वास होवे कि दाता केवल एक है, इसलिए वो मड़ियां कबरां अते मनुख दी टेक दा आधार आसरा लेना छड़ के केवल एक अकाल पुरख परमात्मा दा आसरा लवे। गुरु साहब वचन करदे ने, मानुख की टेक वृथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुर ना तृष्णा लागे आए। गुरुदेव जी वचन करदे ने, ओ परमात्मा जीव जनता नू दाता दे रहा है, पत्थर दे विच कीड़े नू भी ओदी रोजी पहुंचा रहा है, जिथे की कोई शह जानदा थां और रास्ता मार्ग नहीं है।
भगत तन्ना जी कहंदे पाखण केट गुपत होई रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताही को मात्रे जी डराही। गुरुदेव पातशाह वचन करदे ऊडे ऊड आवै सह कोसा तिस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया। और गुरु साहब जी पावन बाणी दे अंदर वचन करदे ने कि ओ परमात्मा ऐसा दाता है जिसने जीव दे पैदा होण तों पहला ओदा रिजक जगत दे अंदर भेजिया ते जीव नूं बाद दे विच जगत विच भेजिया। पहलों दे तै रिजक संभाहा पिछों दे तै जंत उपाहा। तो इस तरह अरदासी दे मन दे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि दाता केवल एक अकाल पुरख परमात्मा है और ओ मैनू दाता जरूर देवेगा। इस तरह चौथा अक्षर अरदास दा है सस्सा। सस्से दा मतलब सहारा। ओ प्रभु परमात्मा ही साडे जीवन दा सहारा है और ओ सब जीव जनता दा सहायक है और सहारा देन वाला है। सिंचन हार है एकै माली खबर करत है पात पत डाली। भगत नामदेव जी कहंदे मैं अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। ते जिन्ना ने उस मालक परमात्मा दे नाम नू अपने जीवन दा आधार बना लिया गुरदेव कहंदे उन्हां दे जीवन दियां सारियां भुखां गवाच जांदियां ने। प्रभु परमात्मा दा नाम उन्हां दे मन नू सुखी और शांत करके उन्हां दे मन दे अंदर आवस्तै। साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइयां। इसलिए गुरुदेव कहंदे ऐ मेरे मन तू परमात्मा दा सहारा लै तू परमात्मा दी शरण विच जा और प्रभु दे नाल रहो। जदों तू प्रभु दे नाल रहेगा ओ परमात्मा तेरा अंगीकार करेगा ओ परमात्मा तैनू सहारा देवेगा और तेरे जीवन दे सारे कार्य संवार देवेगा तेरे दुखां नू खत्म कर देवेगा तेरे दुखां नू मिटा देवेगा। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। तेनू सहारा दे के सारे जीवन दे कारज तेरे रास कर देवेगा। इस तरह अरदासी दे मन अंदर ए विश्वास होवे कि ओ परमात्मा मैनू सहारा देवेगा। तो असी कह सकते हाँ जो अंतरजामी है जो राखा है जो दाता है और सब जीवां नू सहारा देन वाला है ओदा सहारा लैन दी प्रक्रिया दा नाम अरदास है। लेकिन अरदास करदिआं असी उस दर तों मंगणा है तां मंगणा किवें है। मंगण दीआं दो ढंग ने एक है बच्चे दी तरह मंगणा और एक है भिखारी दी तरह मंगणा एक है व्यापारी दी तरह मंगणा। जो व्यापारी दी तरह मंगदे ने उहनां नूं कुछ मिलदा नहीं। गुरदेव पातशाह कहंदे लेखै कतहि ना छूटिऐ खिन खिन भूलन हार। लेखा जोखा कीतिआं कदे भी मनुख छुट नहीं सकदा क्योंकि हर पल भुल्लां कर रहा है। असी गुरु दे चरणां ते आ के अरदास करदे हाँ बाबा मेरी 1.5 करोड़ दी लाटरी निकल आवे फिर मैं 1.25 रुपए दे पतासे चढ़ावांगा। ये सब व्यापार है ते व्यापारियां नूं कुछ भी मिलदा नहीं है। दूजे मंगण वाले ओ ने जो भिखारी दी तरह मंगदे ने तीजे मंगण वाले ओ ने जो बच्चे दी तरह मंगदे ने। एक बच्चा अपने पिता तो मंग रहा है पिता जी 1 रुपया चाहिए। उस वक्त एक भिखारी भी आया वो भी मंग रहा है सरदार जी 1 रुपए का सवाल है। बच्चा भी रुपया मंग रहा है भिखारी भी रुपया मंग रहा है। जरूरत ज्यादा भिखारी नू है तरले भी ज्यादा भिखारी करता है लेकिन भिखारी नू विश्वास नहीं है कि रुपया मिलेगा जां नहीं मिलेगा। बच्चे दी मंग दे अंदर विश्वास है कि मेरा पिता मैनू रुपया देवेगा हुण नहीं तां पल दो पल ठहर के देवेगा। इस तरह बच्चे दे मन विच विश्वास है।
तो असी गुरु और परमात्मा पासों ओदे बच्चे बन के मंगना है, बच्चे वाला विश्वास लैके मंगना है। तो जिस दिन अपने आप नूं गुरु दे बच्चे बना लवांगे, गुरु नूं अपना माँ बाप स्वीकार कर लवांगे, उस दिन गुरु सानू मूँह मंगियां दातां देवेगा। गुरुदेव जी का पावन वाक है, पिता कृपाल आग्या एह दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। जिस दिन साडे अंदर विश्वास जाग जाएगा, उस दिन जो भी मंगांगे ओही दातां सानू मिल जाणगियां। गुरदेव पातशाह जी का पावन वाक भी है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुखते जो बोलै इहा उहा सच होवै। गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने, जो मांगौ सोई सोई पावौ, अपने खसम भरोसा। साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का दरबार सजया होया, पावन दरबार दे अंदर एक अभ्यागत हाथ जोड़ के खड़ा है। गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे ने, अभ्यागत जी किवें आए हो, कुछ मंग है दसो। ये गुरु नानक देव दा दर है, इत्थे कोई भी सवाली कदे खाली मुड़ के नहीं गया, मूँह मंगियां दातां पा के जांदा है। आप दी भी कोई मंग है तां दसो। कहंदे ने, इस ब्राह्मण ने आख्या, ऐ गुरु अमरदास जी महाराज, मैं आप दे दर नूं वेख रहा हाँ, रिदियां सिदियां हाथ जोड़ के खड़ियां ने, सोचदा हाँ की मंगा और की ना मंगा। एक वस्तु मंगदा हाँ, दूजी रह जाती है, दूजी मंगदा हाँ तीजी रह जाती है। ते ऐ मेरे गुरदेव जी, मैं सोच रहा हाँ, जे आप दे दर तो नाम दी दात मंगा, धन ना मंगा, धन तो बिना ऐस जगत दे अंदर शोभा नहीं हुंदी। ते हे प्रभु, मैं सोच रहा जे धन मंगा, नाम दी दात ना मंगा, मैनू नाम ना मिलिया, तां नाम तो बिना मनुख जमा दी पुरी दे अंदर चला जांदा है, भाव जन्म मरण विच पै जांदा है। इसलिए गुरदेव पातशाह, मैं तां ये दोवें ही दातां मंगणियां चाहुंना, मैनू नाम दी दात भी दिओ और मैनू संसारिक धन भी बख्शो, मैनू लोक सुखिया परलोक सुहिला कर देवो। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने गुर प्रताप सूरज दे अंदर इस वार्ता नूं अंकित कीता है। ब्राह्मण दी मंग इस तरह दर्शाई है, जो नाम देहें और धन ना देवें, तने बिना जन जग ना सुहाए, जो धन देहें और नाम ना देवें, नाम बिना जन जमपुर जाए। तो इस ब्राह्मण ने मंग कीती, गुरु अमरदास तेजो के नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलाए। ऐ गुरु अमरदास जी महाराज, मेरे ते रहमत करो, मैनू ये दोवें ही दातां बख्शो। तो गुरदेव पातशाह जी ने इसनू नाम धनवी और दुनियावी धनवी दे के निहाल कीता, लोक सुखिया और परलोक सुहिला ये बन गया। जरूरत है गुरु दे उत्ते, प्रभु परमात्मा दे उत्ते विश्वास लियाउण दी। गुरु दा दर रब दा घर सागर और समुंदर दी तरह है। समुंदर ते कोई कुजी लै के जाए, पानी दी भर के लै आवे, समुंदर ने कदे अतराज नहीं कीता कि इन्ने को निक्के बर्तन विच मैं पानी नहीं देवांगा। समुंदर ते कोई ड्रम लै के चला जाए, भर के लै आवे, समुंदर ने कदे अतराज नहीं कीता कि मैं ड्रम नहीं देवांगा, मेरा पानी कटेगा। जितना तुहाडे पास बर्तन है, ओना ही समुंदर तो भर के लिया सकते हो। इस तरह गुरु का दर भी सागर है, गुरु का दर भी समुंदर है। इत्थे जिन्ना को तुहाडी श्रद्धा विश्वास और प्रेम का बर्तन है, ओना को फल गुरु दे दर तो मिल जाएगा। इसलिए जरूरत है विश्वास और भरोसे दी, जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा। मैनू गल चेते आई, गुरु साहब जी दे पावन चरणा दे अंदर पट आए, ते पट्टा ने आके हाथ जोड़ के खड़े होना कीता, मस्तक चुका के। गुरु साहब ने पूछया, गुरु अर्जन देव जी ने, भले हो किवें खड़े हो, किस कारज वास्ते आए हो? इन्हां ने दस्या, पातशाह एक साल हो गया है फिरद्या,
कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत टोल रहे हां, पूर्ण गुरु कोई मिलया नहीं, कहन वाले बहुत मिले ने, पर रहत दे अंदर कोई पूरा नहीं मिलया। रहो संत हो टोल, साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्या मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरयो, किने नहु परचो लायो, कहती है कहती सुनी, रहत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हो क्या कहो, गुरदई मिलायो पिख्या, जिव तू रखें तिव रहो। ता गुरु साहब ने बचन कीता पलियो, हुन किवें खड़े हो, गुरु दर ते किवें आए हो। ये कहन लगे पातशाह अरदास करन वास्ते आए सा। गुरु साहब कहंदे पलियो फिर अरदास करदे नहीं। ता ये पट्टा ने अपनी बाणी दे अंदर बचन कीता, चित चितवो अरदास कहो पर कह पे ना सको, सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हो तको। मालक जी अरदास करनी चाहते सा पर साध संगत दी शरण तक रहे हां, और वेख रहे हां कि सब दी चिंता आप कर रहे हो, सब नू आप मुंह मंगियां दाता दे रहे हो, सब दे दिल दी जानन वाले हो। जदो सब दी चिंता कर रहे हो ता साड़ी भी चिंता आप करोगे। पातशाह हुण ता इक्को ही अरदास है, असी चाहते हां तेरे हुकम पवे निशान, तौ करो साहिब की सेवा, जब गुरु देखे शुभ दिष्ट, नाम करता मुख मेवा। मालक आप दा हुकम होवे, आप दे हुकम दा निशान मस्तक ते लग जाए, आप दी रहमत हो जाए, आप दे दर तो नाम दी दात मिल जाए। जदों आप नाम दी दात देवोगे तां उदों ए मूह इंज होवेगा जिवें मेव्यां दे नाल भर गया होवे। तो गुरु पातशाह जी दे पावन चरणा दे अंदर इस दृढ़ता विश्वास श्रद्धा और प्रेम दे नाल अरदास करनी है। जिस दिन इस विश्वास दे नाल अरदास करांगे उस दिन कदे भी कीती हुई अरदास बिरथी नहीं जाएगी। उस दिन असी ये कह सकांगे बिरथा कदे ना हो वई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, हुण आप जी दे नाल सिख कौम दे महान विद्वान भाई मोहर सिंह जी अंजान चंडीगढ़ वाले विचार करनगे। इन्हां दा विषय है मौत की है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद बेशुमार अथाह अगणत अतोले ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नेउटियां दी ओट तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दरों करों वरों साई सासंगत प्यार दा सबूत दिहो गज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस विषय ते आप जी दे नाल विचार सांझे कर रहे हाँ विशा है मौत की है अते इस तों किवें बचिए। गुरु पातशाह जी ने पावन बाणी दे अंदर शरीर और आत्मा दे सवाल ते जवाब कराए हन। शरीर आत्मा नू कहिंदा है कि ए आत्मा तू सदा मेरे नाल वस, क्योंकि तेरे नाल वसन करके मैनू सुख आराम है, जगत दे अंदर मैनू मान आदर और सत्कार मिलता है। मैनू ये वचन दे मेरे नाल ये वादा कर कि तू सदैव मेरा साथ निभाएगा। गुरदेव जी पावन बाणी विच वचन करदे ने धन कहे तू वस मैं नाले प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कितही ना लेख है वचन देहे छोड़ ना जासा है। आत्मा ने उत्तर दिता है कि ऐ शरीर मैं अपने जोर करके ना तेरे नाल रह सकता हाँ और ना ही तेरे नालों साथ छट सकता हाँ। जब तक प्रभु दा हुक्म होएगा मैं तेरे नाल वसांगा, जदों उस मालक दा हुक्म होएगा
मैं तैनू छड़ के चला जावांगा। फिर कहया हों हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकुर जिस कान ना छंदा, जिचर राखै तिचर तुम संग रहना, जां सदे तां ऊठ सिधासा है। पर जदों आत्मा ने ये सच्चे बचन कहे, शरीर ने इन्हां नूं हासा और मजाक करके जानिया, अते सदा सदा आत्मा दा साथ मंगिया। गुरदेव दा बचन है, जौ पिर बचन कहे तन साचे, पिर कछु न समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगै, ओह बात जानै कर हासा है। पर एक दिन प्रभु दी आग्या आ गई, ना शरीर तो पुछया गया कि तेरी जान कढ़िए जा ना कढ़िए, और ना ही आत्मा तो सलाह ले गई कि तैनू इस संसार तो लै के जाइए जा ना लै के जाइए। आत्मा नू पकड़ लिया गया और शरीर मृतक मिट्टी बन के इस संसार ते ही पिया रहा। गुरु वाक है, आई आग्या पिरहों बिला बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊठ सिधायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है। गुरु साहब जी कहंदे ने, ऐ शरीर तो पुछो कि आत्मा दे नाल तेरा प्यार कैसा है। फिर बचन कीता, ए ता मृतक मिट्टी है, मृतक शरीर जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए आत्मा तो पुछो कि इन्हां दी प्रीत कैसी है। गुरु साहब बचन कर दे, ए प्रीत झूठी काया हंस क्या प्रीत है, जे पया ही छड़ जाए, एस नू कूड़ बोल बोल के खवाली है, जे चलदिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है, काया मिट्टी अंध है, पौने पूछो जाए, ता जदो आत्मा तो पूछया गया ता उत्तर दिता, हों ता माया मोहया, फिर आवा जाए, मेरा शरीर दे नाल कोई संबंध नहीं है, प्रीत नहीं है, मैं ता माया दे मोह करके इस जगत दे विच आउंदा हाँ और जांदा हाँ। ऐसे शरीर मैनू कई बार मिल चुके हन, जो घर इस वार मैं वसाया है, ऐसे घर मैं पहला भी कई बार वसा चुकिया। गुरदेव दी पावन बाणी दा वाक है, ऐसे घर हम बहुत वसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए। और बचन की तय कि इस तो पहला कई बार असी कईयां दे बाप, कईयां दे पुत्तर, किसी दे चेले और किसी दे उस्ताद रह चुके हाँ। एक बहुत लंबा सिलसिला है, केत्यां के बाप, केत्यां के बेटे, केते गुर चेले हुए, निरे माँ बाप तियां पुत्र ही नहीं रह चुके। सगो गुरु साहब कहंदे, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो। तो खैर ए संसार एक चलनी सराह है, जो भी ऐस संसार ते आया है उसनू एक ना एक दिन छड़ के जाना ही होवेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, ऐस जगत ते एडे वड्डे वड्डे बादशाह हो गुजरे, जिन्हां दे अस्तबल दे अंदर हजारां घोड़े हिरणां दियां तरह चुगंधियां मारन वाले, पौन दे वेग नू पछाड़न वाले खड़े सन, जिन्हां दे दर दे अगे हजारां हाथी सोने और चांदी दे नाल मड़े हुए खड़े रहिंदे सन, जिन्हां ने बहुत वड्डियां वड्डियां बादशाहां दे देशां नू दबा लिया, वड्डियां वड्डियां मान धारियां दे मान नू मलदल के पैरां तले दबा दिता, आखिर उन्हां नू इस संसार छड़ना पिया और इस संसार तो नंगे पैरी ओ चले गए। गुरुदेव जी का पावन वाक है, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, पारी पुजान के पूप पलीबिद, न्यावत शीश न जात बिचारे, एते पै तो कह पै पूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। बाबा फरीद जी कहंदे, बंदिया तो आम आदमियां नू मरदियां वेख्या होएगा, आम मनुखां दी मृतक लाश नू कंधियां ते उठा के शमशान भूमि तक पहुंचा के आया होएगा,
लेकिन तू अपनी मौत नहीं वेखी। एक दिन ऐसा भी आवेगा जदों तेरे दोवें नेत्र खुले होंगे, मौत का फरिश्ता तेरे सामने आके बैठेगा, तू अपनी मौत नूं अपनियां अखां दे नाल वेख सकेगा। ओ मौत, तेरे शरीर किले ते कब्जा जमा लेवेगी, तेरे हिरदे घर नूं लुट लेवेगी और जांदी होई तेरे दो नेत्रां नूं वी बुझा जाएगी। बाबा फरीद जी का पावन वाक है, फरीदा दोहों दीवी बुलंदियां, मलक बहिठा आए गढ़ लीता घट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए। गुरदेव ने पावन बाणी दे अंदर जिथे लावां लिखियां नाल अलाहणियां भी लिखियां और बचन कीता जिस घर दे अंदर अज आनंद कारज हो रहा है, अज विआह हो रहा है, कल नूं उस घर दे अंदर मौत भी लाजमी है। जिथे अज लावां पढ़ियां जा रहियां ने उत्थे कल नूं अलाहणियां भी पढ़ियां जाणगियां। गुरु साहब ने आनंद साहब जी की पावन बाणी लिखी, नाल ही रामकली सद लिखिया और ये चेतावनी दिती कि जिथे अज खुशियां मनाईया जा रही ने ओ खुशियां खुशियां नहीं रहनगियां, आखिर वह गमियां दे विच तब्दील हो सकदियां ने, उत्थे रामकली सद भी पढ़ना पवेगा। भगत कबीर जी ने एक चेतावनी दिती, कहन लगे डूब है गो रे बापुरे, बहु लोगन की कान पारोसी कै जो हुआ, तू अपने पी जान, अज पड़ोसी दे घर विच मौत हुई है, कल नू तेरे अपने घर विच भी मौत होवेगी। अज तू किसी दी आत्मक शांति दी अरदास कर रहे हैं, कल नू कोई तेरी आत्मक शांति दी अरदास विच शामिल होवेगा। अज तू किसी दे परथाए रामकली सद पढ़ रहे हैं, कल नू कोई तेरे परथाए रामकली सद पड़ेगा। अज तू किसी दी याद अंदर जुड़ बैठे हैं, कल नू कोई तेरी याद दे अंदर जुड़ के बैठेगा, क्योंकि अज कोई नहीं रहा, कल नू तू ही इस संसार ते नहीं रहेगा। गुरदेव जी का पावन वाक है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। अते गुरदेव पातशाह जी बचन करते ने कि ये संसार इस तरह है जिमें चार चुफेरे मौत का मंडल होवे, मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार। गुरु साहब जी ने दो मिसालां पावन बाणी दे अंदर दित्तियां हन कि ए बंदे, तू हर रोज़ नवे कपड़े पाउंदा, लेकिन तेरे वो नवे कपड़े कुछ दिन दे अंदर छिज के पुराने हो जाते ने, फट जाते ने और आखिर वो कपड़े सुट देने पैंदे ने। जिवें तेरे नवे कपड़े छिज के फट जाते ने, तिवें आखिर तेरा ये जीवन में एक दिन मुक जाएगा। तू हर रोज़ नवियां दीवारां बना रहे हैं, दीवार दे उत्ते दौड़ कितने लंबी हो सकती है, क्योंकि दीवार का आखिर अंत आ जाता है। जिस तरह दीवार का अंत आ जाता है, उस तरह तेरे जीवन का भी एक दिन अंत आ जाएगा। गुरदेव की पावन बाणी का वाक है, पेत ऊपरे केतक ताइयै अंत ओढ़ को आहा। अते गुरदेव कहंदे, जैसे वस्त्र देह उड़ाने दिन दोए चार पुराहा। तो खैर, इस संसार तो एक दिन सबनों ही चलना पवेगा, तो आओ समझन दा यतन करिए मौत की है। वास्तव दे अंदर जीवन है आत्मा और शरीर दा मिलाप, ते मौत है आत्मा और शरीर दा विछोड़ा। जदों असी गुरदेव दी पावन बाणी पढ़ते हाँ तां एक पंक्ति सामने आउंदी है, ना को मरै ना आवै जाई, ना ही कोई मरदा है ना ही कोई आउंदा है और ना ही कोई जांदा है। जदों असी संसार वल चात मारदे हाँ तां हर रोज़ नवें बच्चे जन्म भी लै रहे ने और इस संसार ते अनेकां मौतां भी हो रही ने, ता इस पंक्ति नूं समझन दा यतन करिए, ना को मरे ना आवे जाई। ता गुरदेव जी बचन करदे ने, पंज तत्तां तों इह शरीर बणिया, जदों इह शरीर नहीं सी पंज तत्त उदों भी मौजूद सी। जिस दिन इह शरीर मृतक होएगा, इह शरीर नूं जलाया जाएगा, शरीर दे अंदर जो पानी है वाष्प बन के पानी दा हिस्सा पानी विच मिलेगा,
शरीर की मिट्टी मिट्टी विच मिल जाएगी, हवा हवा आकाश आकाश के अंदर और अग्नि का तत् अग्नि के अंदर समा जाएगा। इस तरह असीं कह सकते हाँ ये पांच तत् अपने महान पांच तत्तां दे अंदर समा जाणगे। ते जो आत्मा है उस बारे धर्म कहिंदा है अजर और अमर है, उस मालक परमात्मा दा अंश है। कहो कबीर यह राम की अंश जस कागद पर मिटे नामंश। तो आत्मा अपने कीते हुए कर्मा अनुसार किसी शरीर अंदर पै जावेगी और जिसने चिंतन अते सिमरन कीता है वो आत्मा प्रभु परमात्मा दे विच सदा सदा वास्ते समा जाएगी। इस तरह असी कह सकते हाँ मौत जीवन का अंत नहीं है, मौत जीवन का बदलाव है। एक शरीर नू त्याग के दूजे शरीर दे अंदर प्रवेश करना है। तो खैर मरण तो बाद नरक और स्वर्ग आदिक मन्ने गए ने, आओ थोड़ी विचार इन्हों बारे करन दा यतन करिए। हिंदू धर्म अनुसार मरण तो बाद चंगे कर्म करन वालियां नू स्वर्ग और माड़े कर्म करन वालियां नू नरक दे अंदर पैना पैंदा है। इसे तरह इस्लाम धर्म मुताबक जो इस्लाम ते ईमान लियांदा है वह जन्नत विच जांदा है और जो इस्लाम ते ईमान नहीं लियांदा उसनू दोजक दी अगन दे अंदर सड़ना पैंदा है। तो धार्मिक दुनिया दे अंदर किसी धर्म दे अंदर स्वर्ग और जन्नत दा लालच दिता गया मनुख नू और किते इसनू दोजक और नरक दा डर और डराबा दिता गया। लेकिन गुरमत ने स्वर्ग और नरक दोहां नू ही रद्द कीता है। कबीर जी कहंदे कवन नरक क्या सुरग बिचारा, संतन दो रादे हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे। कबीर जी कहंदे की विचारा नरक और की स्वर्ग, मैं इन्हों दोवां नू ही रद्द करदा हाँ। मैं तो अपने गुरु की कृपा रहमत और बख्शिश का किसी की कान और मुथाजी नहीं कटदा हाँ। गुरदेव की बाणी मुताबक सिख ने स्वर्ग दे विच जान की लालसा नहीं रखनी और नरक दे अंदर पैन तो डरना नहीं है। गुरदेव जी का पावन वाक सुरग बास ना बंछिए डरिए ना नरक निवास, होना है सो हुई है मनह ना कीजे आस। कबीर जी तो पूछिए कबीर जी आप नरक और स्वर्ग दे डर और भय तो किवें बचे। तो कबीर जी कहंदे ने स्वर्ग नरक तो मैं गुरु दी रहमत दे नाल बचिया। कबीर नरक सुरग ते मैं रहो सतगुर कै प्रसाद, चरण कमल की मौज मैं रहो अंत और आद। कबीर जी तो पूछा गया कि प्रभु परमात्मा दी चरण कमल दे विच जुड़न दी जो मौज और आनंद है वो की है, उसका कोई अनुमान लगा के दसो। ता कबीर जी कहंदे ने चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। प्रभु परमात्मा दे चरणा दे अंदर जुड़न दा जो आनंद है उसनू क्या नहीं जा सकता, केवल और केवल माणिया जा सकता है। तो इस तरह सवाल पैदा होवेगा जे सिख ने नरक विच पैन तो डरना नहीं और स्वर्ग दे अंदर जान दी लालसा भी नहीं करनी तां फिर सिख दा मार्ग की है, रास्ता की है, इसकी मंजिल की है। तो सिख दी मंजिल है उस अकाल पुरख प्रभु परमात्मा दे अंदर अपेद हो जाना, गुण गांदियां उस गुणी परमात्मा दे अंदर समा जाना जिस बारे भगत कबीर जी कथन करदे ने अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारिन पानी, राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पछानी। उस मालक परमात्मा दे विच ही अपेद हो जाना है। तो मरण तो बाद मुक्ति की है, थोड़ी विचार इस बारे भी करन दा यतन करिए कि मरण तो बाद किसे नू मुक्ति मिलती है। ता गुरबाणी अनुसार मरण तो बाद कदे भी कोई मुक्त नहीं होया और ना ही मरण तो बाद किसे नू मुक्ति मिलती है। बेणी कह सुनो रे भगतो मरण मुकत किन पाई, मरण तो बाद मुक्ति किसने पाई है भाव किसे ने भी नहीं पाई।
गुरमत ने जगत की झोली के अंदर जीवन मुक्ति का सिद्धांत पाया, जो भी मुक्त होया है वह ज्योंदे जी ही मुक्त होया है, तो जीवत जो जीवन मुक्ति है उसके लक्षण की ने, उस इंसान का जीवन कैसा है। गुरु साहब वचन करते ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेह और पै नहीं जा कै कंचन माटी माने, जीवन मुकत पुरश ओ है जो दुख दे अंदर दुख नू दुख करके नहीं मनदा। ताकि ऐसा हो सकता है कि कोई दुख नू दुख करके ना मने, ता आओ एक इतिहासक घटना दा जिक्र करन दा यतन करा। मीर मन्नू दे जेल दे अंदर कुछ नौजवान पैना और बजुर्ग मातावां नू कैद किया गया, जिन्हां नू सारा सारा दिन सवा सवा मन चक्की दे उत्ते पीसना पीना पैंदा है, और खाण वास्ते एक प्रशादा अते पीन लई एक गिलास पानी दिता जांदा है। इन्हां पैणां दीआं गोदां दे अंदर कुछ मासूम बच्चे भी ने, सारा सारा दिन गर्मी दे मौसम विच चक्कियां चला के रात नू शाम पई रहरास्ता पाठ कर ये पैणां अरदास करदियां ने, हे प्रभु चार पैर दिन तेरे भाणे दे अंदर आनंद नाल बीते है, चार पैर रात आई अपने भाणे विच आनंद दे नाल बिताई। जदों किसी जलाद पहरेदार ने ये अरदास सुनी, खान बहादुर नू जाके दस्या, जिन्हां सिख बीबियां नू तू दुखी करना चाहना है तसीहे दे के, ओ तेरे तसीहां दे नाल दुखी नहीं हन, ओ भाणे और आनंद दी बात करदियां ने। खान बहादुर कहन लगा, मैं मजबूर कर देवांगा इन्हां बीबियां नू रोन वास्ते और दुखी दुखी करके ही रहांगा, ये कह उठनगियां चिला उठनगियां कि असी दुखी हाँ। आज रात नू तसीहे वधाए गए ने, कुछ बीबियां दियां छातियां ते सवा सवा मन दे पत्थर रखे गए ने, और कुछ मासूम बच्चियां दियां छातियां ते चक्कियां दे पुड रख दित्ते गए ने। ये मासूम बच्चे चिल्ला चिल्ला के शहीद हो गए, एक दो बीबियां भी प्राण त्याग गईयां। सवेरे अमृत वेला होया, अरदास कीती नितनेम दियां बाणियां तो बाद कि हे सतगुरु चार पैर रात तेरे भाणे अंदर आनंद नाल बीती है, चार पैर दिन आए भाणे विच आनंद दे नाल बिताई। हुण ये भाणा की है, आनंद की है, इसनूं केवल एक सिख ही समझ सकदा है, क्योंकि सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई, विछुड़ चोटां खावे अते आनंद भी कोई गुरु तो ही जान सकेगा। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, किरपा करे प्यारिया कर किरपा किलविख कटे, ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मुँह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक ए आनंद है आनंद गुरु ते जानिया। आज दिन चढ़िया सवा सवा मन पीसन वास्ते दा अनाज दिता गया है, और आज इस जेल खाने दे अंदर कुछ जलाद तलवार नेजे बरछे और पाले लेके आए ने, चक्की चला रही एक नौजवान पैन दी गोद दे अंदरों कोई 6 महीने दा बच्चा बड़ी बेदर्दी दे नाल जलाद ने खोया, लत तो पकड़ के आकाश विच लटकाया, तलवार चली और इस बच्चे दी एक बाजू कट दित्ती। बच्चा दर्द दे नाल चिल्लाया, खून दे फुहारे चले, इस जलाद ने बच्चे दियां दोवें लट्टां और बाजू कट के मां दी झोली अंदर सुट दिता। मां चक्की चलांदी हुई गा रही है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। एथे ही बस नहीं, जलाद अगे वधिया, एक मां दी गोद दे अंदरों कोई साल का बच्चा खोया और आकाश के अंदर वगा के मारिया। जद बच्चा थले गिर रहा सी, थले नेजा कर दिता, बच्चा नेजे विच परुच गया, नेजे दे अंदर परुचया बच्चा तड़फ रहा है, ते मां गा रही है तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। एक होर जलाद अगां वधे, मां दी गोद विचों एक मासूम बच्चे नू खोया, पेट दे अंदर छुरा मारिया,
पेट नूं फाड़ के आंदरां कढ के मां दे गले विच हार पा दित्ता है आंदरां दा, ते मां फिर भी गा रही है तेरा किया मीठा लागे। एक जलाद होर अगां वधिया है, मां दी गोद चो बच्चा खोया है, छाती ते पैर रख के बच्चे दे पैरां दे उत्ते टोका मार के टुकड़े कीता है और टुकड़े टुकड़े करके टुकड़ियां दा हार मां दे गल विच पा दित्ता है। मां फिर भी गा रही है तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदार्थ नानक मांगे, ये है प्रभु परमात्मा दे भाणे नूं मनना और दुख नूं दुख करके ना जानना। तां गुरु साहब कहिंदे ने जीवन मुक्त पुरश वह है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने, नह निंदया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरक सोग ते रह निहारो नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागे जागते रह निराशा, काम क्रोध जिह परसै नाहिन तेह कट ब्रह्म निवासा, गुर किरपा जिह नरको कीनी तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जिदे ते गुरु रहमत करदा है ओ गुरु तो ऐसी जीवन जुगत प्राप्त करदा है, और ऐसी जीवन जुगत नूं जींदियां होया ओ गुणी परमात्मा दे गुणां नूं गांदियां गुणी प्रभु परमात्मा दे विच इंज समा जांदा है जिस तरह पानी दे अंदर पानी समा जांदा है। तो इस तरह असीं कह सकते हाँ सिख दा मार्ग है, सिख दी मंजिल है उस प्रभु परमात्मा दे अंदर लीन हो जाना। आओ थोड़ी जी विचार दो मिनट दी कि असी मृतक संस्कार नूं किस ढंग दे नाल निभाउण दा यतन करना है सिख रहत मर्यादा मुताबक। असी देखते हाँ किसी भी मृतक दे भोग दे समय मंजा बिस्तरा बर्तन बस्तर और रस्ता आदिक दित्तियां जांदियां हन, अते सोचिया जांदा है शायद इन्हां दित्तियां वस्तुआं दा फल अगे किसी आत्मा नूं मिलेगा। पर गुरदेव पातशाह वचन करदे ने ये निरर्थक कर्म है और एक वहम अते अंधविश्वास तो सिवा कुछ भी नहीं है। गुरदेव ने एक ब्राह्मण ते व्यंग कीता, कहन लगे जे कोई चोरी सामान करके लिआउंदा है और किसे दा चोरी कीतियां हुईयां वस्तुआं अपने पितरां वास्ते किसी ब्राह्मण या धर्म प्रचारक नूं दिंदा है और वह सोचदा है कि अगे वस्तुआं पहुँचणगियां, तां गुरु साहब कहिंदे इस तरह तां वह अपने पितरां नूं ही चोर बनावेगा। जे मुहाका कर्म होया कर्म हे पितरी दे अगे वस्त सिंजाणियां पितरी चोर करे, जिन्हां दियां चोरी करके वस्तुआं लिया है उन्हां दे पितर भी अगे होणगे, उन्हां वस्तुआं नूं पहचान लैणगे, इस तरह अपने पितरां नूं ही वह चोर बनाएगा। ते गुरु साहब कहिंदे वड्डियां हथ दलाल के मुसपी इह करे, जो दलाल ये कहिंदा कि ये वस्तुआं अगे मिलनगियां उसते भी हथ रब की दरगाह के अंदर वड्डे जाणगे। इस तरह गुरदेव जी कहन लगे नानक अगे सो मिले, जे खट्टे काले दे अपने हथां दे नाल दसां नवां दी धर्म दी किरत कमाई करके जो उस विच उह दसवंद कट धर्म लेखे लगाउंदा है उसका ही फल इस नूं मिल सकदा है। तो इत्थे ही खिमा दे जाचक हाँ, आखिर इस विचार मुताबक असीं कह सकते हाँ कि जगत ते जो भी आया है उसने एक ना एक दिन चले जाना है, जीवन दा अंत निश्चित है, मौत सब नूं आवेगी, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। इसलिए कुछ ऐसे यतन करने चाहिए ने कि असी अमृत पान करके गुरु वाले बनीए, गुरु दर्शाए मार्ग ते चलिए और गुण गांदियां उस गुणी परमात्मा दे अंदर अपेद हो जाइए अते जन्म मरण तो रहत हो जाइए, अते इस गल नूं समझिए बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्मे बूझ समावेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।